हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए सीक्वेंस का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। सीक्वेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को पढ़ते समय बहुत पेशेंस की ज़रूरत है जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं। और एक बार अगर आप लोगों को समझ में आ गया सीक्वेंस क्या है, लिमिट क्या है और इसके थ्योरम्स के प्रूफ करने का तरीका एक बार समझ में आ गया तो समझिए आप लोग इसमें एंजॉय करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर में सीक्वेंस क्या है उसका डेफिनेशन देखते हैं और उससे रिलेटेड जो सीक्वेंस के और डेफिनेशन है, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, इन सब डेफिनेशंस को एग्जाम्पल्स के साथ हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए हम इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देखते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जो किस टाइप से डिफाइन होता है, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है और जिसका रेंज जो है रियल नंबर का सबसेट होता है। इस फंक्शन को ही हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट इन ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस नेचुरल नंबर में जो भी एलिमेंट है एन है, उसका इमेज क्या लेते हैं? एस एन। तो ये जो एस एन है वो क्या बताता है? सीक्वेंस का एनथ टर्म। एफ एन मतलब एनथ टर्म को ये रिप्रेजेंट करता है एस एन। एफ वन तो इसका इमेज एस वन आएगा, एफ टू लेंगे तो एस टू आएगा, एफ थ्री लेंगे तो एस थ्री आएगा, एफ फोर लेंगे तो एस फोर। तो ये कौन सा टर्म? एस वन मतलब फर्स्ट टर्म, एस टू सेकेंड टर्म। इस प्रकार ये सीक्वेंस को हम डिफाइन करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। एफ एन टू आर एक फंक्शन है जो किस प्रकार डिफाइन है? एफ ऑफ एन इक्वल टू वन बाई एन। यहाँ पर एस एन की जगह क्या आ गया? वन बाई एन। तो अगर हम इसमें एन की जगह वन रहे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा सीक्वेंस का? वन बाई वन। टू पुट करेंगे तो वन बाई टू, थ्री में वन बाई थ्री, वैसे एन में वन बाई एन, एंड सो ऑन। तो ये वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई एन, ये सब क्या है? सीक्वेंस के टर्म्स हैं। हम सीक्वेंस को ऐसा कर्ली ब्रैकेट में से रिप्रेजेंट करते हैं। वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई एन, ये क्या है? सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म। और एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें देखें एस एन, एफ एन इक्वल टू वन बाई एन स्क्वायर लिया गया है। तो n की जगह वन रखेंगे तो वन आएगा, टू रखेंगे तो वन बाई टू स्क्वायर, थ्री रखेंगे तो वन बाई थ्री स्क्वायर, n रखेंगे तो वन बाई एन स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? सीक्वेंस के टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म। तो ये सीक्वेंस होता है। तो अब सीक्वेंस का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर, देख लीजिए इसके डोमेन मतलब वन टू थ्री फोर, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। और इसका इमेज जो आया वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई एन, ये सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो ये रियल नंबर का सीक्वेंस है, ये भी रियल नंबर का सीक्वेंस है। तो ये हो गया सीक्वेंस का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं रेंज। सीक्वेंस का रेंज क्या होता है? तो कोई भी सीक्वेंस ले लें, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है, ये एक सीक्वेंस का nth टर्म है। तो अगर हम इसको पूरे सीक्वेंस के टर्म्स को लिखें तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा? n की जगह 1 रखेंगे तो माइनस वन, टू रखेंगे तो प्लस वन, थ्री रखेंगे तो माइनस वन, वन माइनस वन, ये सीक्वेंस के टर्म्स आ गए। अब
इस सीक्वेंस के टर्म्स को ही सेट फॉर्म में लिख लें, सेट लिखें इसका। तो इसका सेट फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ माइनस वन और वन, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। माइनस वन कई बार आया है लेकिन उसका सेट लेंगे तो एक ही बार लिखेंगे, वन भी कई बार आया है लेकिन सेट फॉर्म में वन एक ही बार लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इस सीक्वेंस का रेंज सेट। तो रेंज सेट मतलब सीक्वेंस के टर्म्स का सेट, सीक्वेंस के टर्म्स का सेट मतलब डिस्टिंक्ट टर्म्स का सेट, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स। जैसे वन 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 कई बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे। अगर सारे टर्म्स अलग अलग होते, जैसे हम पहले एग्जांपल में लिखें, ये सीक्वेंस इसके सारे टर्म्स अलग अलग है तो इसका रेंज सेट, ये खुद इसका रेंज सेट हो जाएगा। लेकिन अभी जो सीक्वेंस लिए यहाँ पर, इसका रेंज सेट माइनस वन वन होगा। तो रेंज सेट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, रेंज सेट मतलब डिस्टिंक्ट टर्म्स का सेट, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट टर्म्स का अलग अलग डिफरेंट टर्म्स का सेट होता है। कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस किसको बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। वास्तव में सीक्वेंस एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन को ही हम कांस्टेंट सीक्वेंस बोल देंगे। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें सारे टर्म्स एक जैसे आए। जैसे एक एग्जांपल ले, वन टू द पावर एन, अगर एन की जगह वन रखेंगे तब भी से वन आएगा, टू रखेंगे तब भी से वन, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो भी हम टर्म्स लें इस सीक्वेंस का, सब वन 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 आ रहा है। ऐसे सीक्वेंस को कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं, और इसके रेंज सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस का अगर हम रेंज सेट लें तो कैसा होता है, सिंगलटन सेट होता है, एक ही एलिमेंट होगा क्योंकि सारे टर्म्स सेम हैं। तो ये हो गया कांस्टेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, एक सीक्वेंस जो है, पहले हम देखते हैं बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, फिर हम देखेंगे बाउंडेड सीक्वेंस का डेफिनेशन। तो एक सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबो कब कहलाता है, अगर कोई रियल नंबर एम ऐसा एग्जिस्ट करे, अगर कोई रियल नंबर एम ऐसा हो जो इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स से बड़ा हो, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल एस एन, अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स से बड़ा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है तब इस सीक्वेंस को बाउंडेड अबो सीक्वेंस बोलते हैं। और ये जो नंबर है रियल नंबर एम, जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स से बड़ा है, इस रियल नंबर एम को हम अपर बाउंड बोलते हैं। ये जो कैपिटल एम है वो सीक्वेंस एस एन का अपर बाउंड कहलाता है। एक बार रिपीट कर देता हूं, सीक्वेंस बाउंडेड अबो कब कहलाता है, अगर उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स से बड़ा कोई रियल नंबर एम एग्जिस्ट करे तब हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड अबो सीक्वेंस बोलते हैं। और ये जो रियल नंबर एम है जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स से बड़ा है, इसको इस सीक्वेंस का अपर बाउंड कहते हैं। अब हम देखते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कब कहलाता है, इसी के जैसा। इसमें क्या रहता है, अगर कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता हो जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स से छोटा हो, उस सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स हों उन सारे टर्म्स से छोटा अगर कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है तब इस सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो बोलते हैं। और ये जो रियल नंबर है एम, जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स से छोटा है, इस रियल नंबर एम को, स्मॉल एम को लोअर बाउंड कहते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा, जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स से बड़ा होता है वो अपर बाउंड, जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स से छोटा होता है वो लोअर बाउंड। अगर सीक्वेंस का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड बिलो, अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड अबो बोलते हैं। और अगर दोनों एग्जिस्ट करे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों अगर एग्जिस्ट करता है, तब हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो दोनों हो,
उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो सीक्वेंस है -1 to the power n, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसके कोई भी टर्म ले लें वो जीरो से बड़ा ही होगा। इस सीक्वेंस में कौन कौन सा टर्म आता है? सिर्फ तो दो ही टर्म है, -1 1 -1 1 -1 1, तो -1 और 1 दोनों ही, सॉरी सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया है, इसका लोअर बाउंड ले लेंगे -2, सॉरी इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इसका लोअर बाउंड हो जाएगा -2। -2 क्या होगा? -1 से भी छोटा होगा और 1 से भी छोटा होगा, तो -2 इसका एक लोअर बाउंड है, और -1 और 1 दोनों से बड़ा क्या है? 2। तो 2 इस सीक्वेंस का एक अपर बाउंड है, तो इसका लोअर बाउंड -2 है जो इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स से छोटा है, और 2 इस सीक्वेंस का एक अपर बाउंड है जो इस सीक्वेंस के सारे टर्म से बड़ा है। तो -2 लोअर बाउंड और +2 अपर बाउंड है, तो इस सीक्वेंस का लोअर और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए सीक्वेंस क्या होगा? बाउंडेड सीक्वेंस। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्वेश्चन? क्या किसी सीक्वेंस का लोअर बाउंड अगर है तो एक ही लोअर बाउंड होगा क्या? और लोअर बाउंड नहीं हो सकता? वैसे क्या एक ही अपर बाउंड होगा और अपर बाउंड नहीं हो सकता? तो हो सकता है, इसका आंसर है और भी लोअर बाउंड और भी अपर बाउंड हो सकता है। जैसे इसी एग्जाम्पल में हम देखें, 2, 2.5, 3, 3.1, 3.2, जो भी रियल नंबर आप सोचे वो सारे अपर बाउंड्स हैं इसके, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.20, 2.202, 3.1, 3.2, जो भी आप 2 से बड़ा नंबर सोच सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स इसके अपर बाउंड होंगे। वैसे जो भी रियल नंबर्स आप -1 से छोटा सोच सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स -2, -3, -4, -4.1, -3.2, ये सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। मतलब किसी सीक्वेंस के एक से ज़्यादा लोअर बाउंड या एक से ज़्यादा अपर बाउंड्स हो सकते हैं। तो क्लियर हो गया बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। अब हम आते हैं मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन। ये मैं सिलेबस से बाहर का चीज बता रहा हूँ, सीक्वेंस में मॉडुलस फंक्शन का यूज़ है एक्चुअली, इसलिए इस डेफिनेशन को बता रहा हूँ। हालांकि आप लोग ये डेफिनेशन 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, 12th में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, एंड मॉड एक्स इज -x व्हेन एक्स इज निगेटिव। एनदर डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? इसका दूसरा डेफिनेशन, मॉड एक्स इज मैक्सिमा ऑफ एक्स माइनस एक्स। एक्स और माइनस एक्स में जो भी बड़ा नंबर होगा वही एक्स का मॉडुलस होगा। अब हम एक इनिक्वलिटी डिराइव कर रहे हैं, ये इनिक्वलिटी आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो इस इनिक्वलिटी को डिराइव करके इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इस इनिक्वलिटी का यूज़ अभी हम थ्योरम्स में करेंगे। तो ये इनिक्वलिटी क्या है? मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल एक्स के, सॉरी। तो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो मैक्सिमा ऑफ एक्स माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल के, इसका मतलब एक्स और माइनस एक्स में जो बड़ी संख्या है, एक्स और माइनस एक्स में जो बड़ी संख्या होगी वो कैसे छोटी, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो कैसे छोटी है, मतलब जो दूसरी संख्या बची वो तो ऑब्वियसली कैसे छोटी ही होगी, क्योंकि इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो कैसे छोटी है, तो दूसरी संख्या तो के से छोटी होगी। मतलब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि एक्स भी के से छोटा होगा और माइनस एक्स भी लेस देन आर इक्वल के होगा। तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाता है, आप लोगों को पता है, या ऐसे भी समझ सकते हैं माइनस एक्स का राइट साइड ट्रांसफ़र किए के का लेफ्ट साइड, तो माइनस के से एक्स बड़ा हो गया। अब हम इन दोनों को एक साथ मिला दें तो क्या बोल सकते हैं? एक्स माइनस के से बड़ा है और के से छोटा,
तो ये इनइक्वलिटी अभी हम थ्योरम में यूज करेंगे। देखिए थ्योरम क्या है, ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एस एन इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच डैट मॉड ऑफ एस एन लेस देन आर इक्वल के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये थ्योरम ये कहता है कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, इफ एंड ओनली इफ ऐसा कोई रियल नंबर हो जो मॉड एस एन से बड़ा हो, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, मतलब इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स के मॉड से बड़ा हो, मतलब इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स के पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा, अगर ऐसा कोई रियल नंबर है तब ये बाउंडेड होगा, और अगर बाउंडेड है तो ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि सीक्वेंस एसएन क्या है, बाउंडेड है। अब बाउंडेड है तो हमने अभी डेफिनेशन देखा कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है इसका मतलब क्या होता है, उस सीक्वेंस का लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड का मतलब, लोअर बाउंड मतलब जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स से छोटा हो, और जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स से बड़ा होता है उसको अपर बाउंड बोलते हैं। तो क्योंकि ये हमने बाउंडेड माना इसलिए इसका लोअर और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अब हमको ये प्रूफ करना है, मॉड के फॉर्म में लाना है। तो ये याद रखिए यहाँ पर कि अब हमको के कैसा एज्यूम करना होगा, मैक्सिमा ऑफ मॉड स्मॉल एम और कैपिटल एम। हम मॉड स्मॉल एम और कैपिटल एम के मैक्सिमा को के ले लेते हैं। तो के मैक्सिमा है यानी इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वही के है। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, के मैक्सिमा है यानी इससे बड़ा हो सकता है या इसके इक्वल होगा, इससे बड़ा हो सकता है या इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है इन दोनों का। तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये हम डेफिनेशन से जानते हैं कि मॉड एम जो होता है माइनस एम और एम का मैक्सिमा होता है, मतलब मॉड ऑफ एम माइनस एम से भी बड़ा होगा या बराबर होगा, एम से भी बड़ा या बराबर होगा। तो माइनस एम से तो बड़ा या बराबर होगा ही, तो मॉड एम माइनस एम से बड़ा या बराबर है। अब इन दोनों को एक साथ मिला दें तो माइनस एम किससे छोटा हो गया, मॉड एम से, और मॉड एम किससे छोटा है, के से। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, माइनस एम लेस देन आर इक्वल के। इन दोनों को मिलाने से माइनस एम लेस देन आर इक्वल के, और ये क्या है, एम लेस देन आर इक्वल के। अब हम k को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस के, माइनस एम को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस एम, या ऐसे भी समझ सकते हैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, माइनस के लेस देन आर इक्वल स्मॉल एम, कैपिटल के इज ग्रेटर देन आर इक्वल कैपिटल एम। अब हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। तो पुट करने से क्या आएगा, माइनस के तो स्मॉल एम से छोटा है, और स्मॉल एम एस एन से छोटा या बराबर है, और एस एन कैपिटल एम से छोटा या बराबर है, और कैपिटल एम लेस देन आर इक्वल के है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि माइनस के लेस देन आर इक्वल एस एन एंड एस एन इज लेस देन आर इक्वल के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और इस इनइक्वलिटी को अब हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एस एन लेस देन आर इक्वल के। अभी हमने करके देखा है कि माइनस के और के बीच में है एक्स, तो ये मॉड एक्स बन जाता है। तो इसी रिजल्ट का हमने यूज़ किया यहाँ पे। अब हम कन्वर्सली एज्यूम करते हैं। हम अभी एज्यूम किए थे कि एस एन बाउंडेड है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सीक्वेंस एस एन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना होगा कि सीक्वेंस एस एन बाउंडेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ एस एन का डेफिनेशन क्या होता है, मैक्सिमा ऑफ एस एन माइनस एस एन,
लेस देन आर इक्वल के, जब इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो के से छोटी है, यानी दोनों के दोनों के से छोटी या इक्वल होगी, तो एस एन लेस देन आर इक्वल के एंड माइनस एस एन लेस देन आर इक्वल के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसे भी समझ सकते हैं के को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दें और माइनस एस एन को राइट साइड, तो माइनस एस एन प्लस एस एन हो गया और के हो गया माइनस के। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, एस एन क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस के है एंड लेस देन आर इक्वल के है, और इससे क्या क्लियर हुआ, माइनस के इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड है और प्लस के इस सीक्वेंस का अपर बाउंड है, मतलब हमें इस सीक्वेंस का लोअर और अपर दोनों बाउंड प्राप्त हो गया, इसलिए सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बाउंडेड सीक्वेंस का डेफिनेशन और बाउंडेड सीक्वेंस का ये थ्योरम। हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है बाउंडेड सीक्वेंस का, उसमें हम ये बोलते हैं कि लोअर और अपर दोनों बाउंड होगा उसको बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, लेकिन इस थ्योरम के बाद एक और नया डेफिनेशन निकल के आया है, वो ये है कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब कहलाता है, अगर मॉड ऑफ एस एन लेस देन आर इक्वल के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ऐसा कोई रियल नंबर है के जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स के मॉड से बड़ा हो, तब भी हम उसको बाउंडेड कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसी थ्योरम पर बेस्ड है। ये जो सीक्वेंस है क्या है, सीक्वेंस एन इंटू साइन पाई बाई एन, ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ये हमें देखना है। तो बाउंडेड कब होगा, जब हम इसका मॉड प्रूफ कर देंगे किसी फिक्स रियल नंबर से छोटा है। तो इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड ऑफ एस एन मतलब एन इंटू साइन पाई बाई एन, एन क्योंकि नेचुरल नंबर है पॉजिटिव है इसलिए मॉड से बाहर आ जाएगा, साइन पाई बाई एन मॉड के अंदर बचेगा, और एक इनइक्वलिटी होता है कि मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन आर इक्वल थीटा, तो यहाँ पर साइन पाई बाई एन का मॉड लेस देन आर इक्वल पाई बाई एन हो जाएगा, ये एक इनइक्वलिटी है। तो एन से एन कैंसिल, यहाँ मिल गया पाई, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ एस एन लेस देन आर इक्वल पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इससे ये क्लियर हो गया अभी जो थ्योरम देखें उसके अकॉर्डिंग कि ये सीक्वेंस एस एन क्या हो जाएगा, बाउंडेड, क्योंकि इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स के मॉड से बड़ा एक रियल नंबर पाई एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए सीक्वेंस बाउंडेड होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, और बाउंडेड सीक्वेंस का थ्योरम और उस थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जांपल। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, आप लोग सीक्वेंस चैप्टर को पढ़ते समय पेशेंस रखिए, आराम से समझिए, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर का, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए, और इसमें रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग इस चैप्टर का बार बार रिवीजन कीजिए, तब आप लोगों को मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, आप लोग इंजॉय करेंगे। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को आप लोग अपने जैसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो इस वीडियो को देख के लाभान्वित हो सकें, ताकि मेरा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो पूरा हो सके। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि ये जो वीडियो जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोग उठा पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।